हाँ जी सर, देखिए हमारे 300 लीटर का बीएमसी है और ये हमारा वाल है आउटपुट, ये है हमारा कंट्रोल पैनल। अभी हमारा सारा कुछ चालू है, से 6 एम्पियर ले रहा है कंप्रेसर, ये वोल्टेज बताया कितना वोल्टेज आ रहा है। ये हमारा भी ऑटो पे चल रहा है, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ये मैनुअली हो जाएगा, यानी कि बाय चांस अगर डिस्प्ले ख़राब हो जाए तो आप मैनुअल चला सकते हो उसे, ठीक है। और हमारा सेटिंग करने के लिए, टेम्परेचर सेट करने के लिए, इसे 2 मिनट होल्ड करके रखोगे तो 0 पे भी सेट है, तो इसे हमें 4 पे सेट कर देना है। तो 4 पे सेट करके इसको सेट बटन दबा देंगे तो सेट हो जाएगा। ये हमारा टच सिस्टम है, ये इसको हल्का सा टच करके रखेंगे तो ये पूरी सेटिंग खुल जाएगी। तो इस पर तो आपको कुछ सेट नहीं करना, ना इस पर करना है, ना इस पर, ना इस पर, ना इस पर, इस पर करना है आपको। अगर बाय चांस अगर कभी टेम्परेचर सही दिखा रहा हो, आउट दिखा रहा हो, तो इस पर आप जो है मेंटेन कर सकते हो, ठीक है सर। और बाकी आप अगर ये मशीन कितने टाइम पे ऑन होना चाहिए तो वो आप इस पर सेट कर सकते हो। अभी 3 मिनट में ये ऑन होता है, जैसे आप ऑटो चालू करोगे तो 3 मिनट बाद ये ऑन होगा, ठीक है। इससे आप और बढ़ाना चाहोगे टाइम तो और बढ़ जाएगा। और बाकी आपका जो है इसमें एक ये है, अगर बाय चांस अगर कभी कोई दिक्कत आ रहा हो तो इसको ना इसको आप इसमें सेट करके इस पर 1 पे ले जाके अब जैसे सेट दबाएंगे ना तो ये रीसेट हो जाएगा, ये सारा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। जब कोई फंक्शन समझ ना आ रहा हो तब रीसेट कर दो, जैसे रीसेट करोगे तो आपको सारा कुछ सेट करना पड़ेगा, या टाइम सेट कर रहे हो, टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा। और बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं फंक्शन, हाँ यही है, एक कीस पे सेट कर सकते हो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और दूसरा ये टाइमिंग के लिए, और तीसरा ये अपना रीसेट के लिए। और ये हमारा इसके लिए होता है कि हमारा भी 0 पे है तो ये भी कूलिंग का सिस्टम कर रहा है, अगर 1 पे रहेगा तो ये हीटिंग का सिस्टम काम करेगा। हमारा हीटिंग का भी सिस्टम काम करेगा। ये हमारा आ गया, ऑन हो गया। इससे दबाते ही सेटिंग से बाहर जाओगे आप। और अभी हमारा ये चल रहा है, अभी ये अभी 22 डिग्री था तो अभी हमारा 14 डिग्री आ गया है, ये करीब आधे घंटे में करीब 14 डिग्री आ चुका है। और ये हमारा एयर के लिए, और ये अभी इसको सेट करेंगे अभी इसको। बाकी हमारा एजिटेटर घूम रहा है इसमें।